जी हाँ, जिस को इंतजार था वो टॉपिक की वीडियो आ गई। दोस्तों, एक कोष्ठिका के सभी प्रकार को आज की इस एक वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि एकक कोष्ठिका के जो प्रकार होते हैं एससीसी बीसीसी एफसीसी में काफी सारे बच्चों को दोस्तों कंफ्यूजन होता है और रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आज की वीडियो में आपको फील कराएंगे, अगर आप इसको प्रैक्टिकली हमारे साथ इस वीडियो के साथ फील करोगे एफसीसी बीसीसी एवं एससीसी को, तो आज के बाद इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आ जाए या चाहे आपका दोस्तों थ्योरी आ जाए, तो आप आसानी से चुटकियों में बिना याद करे आप उसको सबसे पहले कर कर आओगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा जोर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। जो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमने इस वीडियो में पूरा एसएससी बीसीसी एवं एफसीसी को फील कराया है इसके वीडियो लेक्चर में, और पूरा का पूरा कवर किया है इस टॉपिक को। तो चलिए देर नहीं करते और अपने इस धमाकेदार टॉपिक की धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे उन सभी का नोट्स आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टूडेंट, हम आपको बता दें ये टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो में वादा करते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल आपको फील कराएंगे दोस्तों, आपके सामने विजुलाइज होगा प्रैक्टिकली। सीआरटी बुक में एकक कोष्ठिका के सभी प्रकारों में चार प्रकार दिए हुए हैं, ओके, और चार प्रकार में तीन प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आपको चारों प्रकार पढ़ाएंगे। चार प्रकार दोस्तों इस प्रकार है, पहला है दोस्तों आपका आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा का है आपका अध केंद्रीय एकक कोष्ठिका, तीसरा है आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, चौथा है आपका दोस्तों आंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ओके, पहले को एसएससी, दूसरे को बीसीसी एवं तीसरे को एफसीसी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हम आपको बताएंगे इनका मतलब। ओके, तो ये तीन जो हमने आपको बताए स्टार्टिंग के, वो तीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और चौथा भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिए दोस्तों। हम सर्वप्रथम पहला जो है हमारा आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको हम दोस्तों एसएससी भी बोलते हैं। अब एससीसी हम क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसएससी बोल देते हैं, जिसका दोस्तों मतलब होता है सिंपल सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि आपको डिफिनेशन भी याद नहीं करना पड़ेगा, अब इसी नाम से आप पहचान लोगे ये एकक कोष्ठिका किस तरह होगी। ये एकक कोष्ठिका क्या होगी, बिल्कुल सिंपल आपकी होगी, क्यूब के तरह का दोस्तों क्यूब होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्यूब है आपका। तो सिंपल भी एसएससी भी आपका क्या होता है, सिंपल क्यूब की तरह होता है, मतलब निकाला हमने इस वर्ड से, लेकिन इसका एक्चुअल डिफिनेशन हम देखते क्या है। देखिए, जब अवयवी कण दोस्तों एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होता है तो उसे दोस्तों आग एकक कोष्ठिका कहते हैं। ओके, समझ लिया आपने, कहा इसमें कहा गया जब एकक कोष्ठिका जो अवयवी कण है, भाई एकक कोष्ठिका कण से नहीं मिलकर बनती है, तो वो दोस्तों अवयवी कण कहां पर हो, एकक कोष्ठिका है, जिसको दोस्तों हम क्यूब, एकक कोष्ठिका का आकार यहां पर क्यूब लिया गया है, जो एकक कोष्ठिका हम पढ़ेंगे वह सभी क्या होगी, क्यूबिक होंगी, क्यूब के शेप की होगी। तो यहां पर आप ध्यान रखिए एकक कोष्ठिका मतलब क्या है, क्यूब की बात कर रहे हैं। और दोस्तों एसएससी में जब हम आएंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार वाला पहला आगे एकक कोष्ठिका जिसको एसएससी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सिंपल संरचना होती है, जिसमें अवयवी कण केवल क्या होते हैं दोस्तों, इस एकक कोष्ठिका जो क्यूब जैसी संरचना होती है उसके हर कोने पर केवल उपस्थित होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। अगर हम आपको इसको ड्रॉ कर बताएं क्यूब की तरह, तो यहां पर इस तरह होगा, ये आपका क्यूब बन गया है दोस्तों, क्यूब हो गया, इसका हर कोना क्या है, ये कोना, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, यानी कि आठों कोनों पर क्या होगा दोस्तों, एक एक अवयवी कण आपका लगा रहेगा और कहीं भी अवयवी कण नहीं होता है इस एसएससी में। ओके फ्रेंड्स, कई बच्चे दोस्तों टीचर आपको रटवा देते हैं और कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो एकक कोष्ठिका हमारा है दोस्तों ये एसएससी, उसका दोस्तों रियल संरचना यही है, रियल स्वरूप यही होता है, लेकिन आपको बता दें ये क्या एक सिंपल स्वरूप है, ये रियल संरचना नहीं है हमारी आगे एकक कोष्ठिका की, ये क्या एक सिंपल स्वरूप है। तो आप सोचे होंगे कि सर तो हमारा रियल स्ट्रक्चर क्या होता है एकक कोष्ठिका आगे एकक कोष्ठिका, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया आग्य एकक कोष्ठिका एसएससी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब की तरह होता है, वैसे ही सभी का स्ट्रक्चर क्यूब की तरह होता है, लेकिन एसएससी में क्या खास बात होती है, इसमें क्या होता है, सभी एक जो हमारे कण होते हैं अवयवी कण जिससे बना होता है हमारा दोस्तों, वह सभी क्या होते हैं, क्यूब के कोने पर होते हैं और यहां पर कोने पर लगे भी हुए सारे कण। ओके, लेकिन ये हमारा क्या है दोस्तों, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो है दोस्तों आपका ये होता है रियल स्ट्रक्चर, इसे ही आपको दोस्तों सिंप्लीफाई कर हम इस तरह बनाते हैं दोस्तों, बनाना सरल हमारे लिए ये होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर मान लेते हैं, और ये थोड़ा हार्ड होता है इसलिए, और यहां पर एक क्यूब का संरचना हो रहा है, यानी हर क्यूब की भुजा क्या होगी, ए होगी, यानी यहां से यहां तक लंबाई ए, यहां से यहां तक लंबाई ए, और यहां से यहां तक लंबाई ए होगी। और फ्रेंड्स, यहां पर एसएससी में जो यही लंबाई होती है ए, इस भुजा की लंबाई ए, ये किसके बराबर है, यहां पर आप देखोगे रियल स्ट्रक्चर से पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, रियल स्ट्रक्चर से। तो यहां पर जो क्यूब बन रहा है कुछ इस तरह बन रहा है, इस सेंटर को मिलाओगे, ऐसे सेंटर मिलाओगे, ऐसे सेंटर मिलाओगे, ऐसे सेंटर मिलाओगे, ये और
इस तरह यहाँ से पीछे जाओगे तो इस तरह दोस्तों आपका क्यूब बनेगा ओके। और ये क्यूब का जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, यही तो हमने ए माना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है फ्रेंड्स यही तो हमने ए माना हुआ है। और ये आपका ए किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर, ये आपका जो ए है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई फ्रेंड्स ये किसके बराबर हो रहा है, ये फ्रेंड्स आपका इन दोनों गोलों, ये आपका दोस्तों ए इन दो गोलों की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की गोले की त्रिज्या आर होगी ओके फ्रेंड्स। और यहां से यहां तक की भी गोले की त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। इसी आर को दोस्तों दो बार अगर हम जोड़ दें तो आपका क्या बन जा रहा है यहां पर, ये भुजा आपकी निकल कर आ रही है ए ओके। तो यहां पर एसएससी में यहां पर हमने अभी आपको क्या बताया, एसएससी में जो दोस्तों हमारा भुजा होता है क्यूब का ए वह क्या होता है, गोले की त्रिज्या का दोगुना होता है, ये बात आपको एसएससी में याद रखनी है। तो हमने आपको दिखा दिया कि इसकी रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, एसएससी का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सिंपल स्वरूप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इजी होता है ड्रॉ करना ओके। और यहाँ पर हर क्यूब की जो भुजा ए होती है वह ए किसके बराबर होता है, यहाँ पर इस दो गोलों की त्रिज्याओं के बराबर होता है, जो कि हमने आपको रियल स्ट्रक्चर में दिखाया भी समझाया भी ओके। आई होप आपने समझ लिया होगा, ये ए भुजा दो टू टाइम तो आप इस गोले की त्रिज्या यहाँ पे जो अभी कड़े उसकी त्रिज्या का दोगुना क्यों होता है, ये आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी निर्माण में कुल कड़ों का योगदान कितना होता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 8 कड़ लगे हुए हैं, यानी कि एसएससी के निर्माण में टोटल कड़ों का जो योगदान होता है 8 होता है, लेकिन ये गलत है ओके। यहाँ पर कड़ों का योगदान का मतलब ये है कि एसएससी का निर्माण करने में टोटल कितने अंदर एसएससी का जो निर्माण किया, क्यूब का निर्माण किया, इस क्यूब के अंदर टोटल कितने कड़ होते हैं वो हमें पता करना है ओके। एक पूरा कड़ दोस्तों क्यूब के अंदर नहीं, इसका कुछ ही भाग क्यूब के अंदर है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपके लिए अच्छी तरह से इसको बनाकर लाया है, आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्या है, क्यूब है आपका, यूनिट सेल है, और यहाँ पर एक अवयवी कड़ लगा हुआ है, ये वैसे चारों आठों कोने पर लगे होते हैं, हमने समझाने की आपको केवल एक कोने पर लगा हुआ है। ये आपका क्या है दोस्तों, अवयवी कड़ है। इस कड़ पे कोने पे क्या देख रहे हो आप, क्या क्या दोस्तों ये कड़ पूरा क्यूब के अंदर है, नहीं पूरा क्यूब के अंदर ये वाला कड़ नहीं है अभी, ये क्या है, इसका कुछ ही भाग दोस्तों क्या है अंदर है, और कुछ देख रहे हो कितना सारा भाग बाहर निकला हुआ है, यानी कि दोस्तों इस एसएससी का निर्माण में दोस्तों अभी कड़ का कितना भाग अंदर है ये हमें पता करना है ओके। जो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि एसएससी के निर्माण में जो कोने पर हर एक कड़ का कड़ दोस्तों 8 भागों में विभाजित रहते हैं, यानी हर कड़ क्या है दोस्तों 8 भागों में विभाजित है। तो अगर हम यहाँ पे पूछे कि बताइए इसके अंदर कितना भाग है, 1/8 भाग अंदर होगा ओके। अब आप ये सोच रहे सर आपने कैसे बताया कि इस कड़ दोस्तों 8 भाग में विभाजित होता है, देखिए जैसे कि हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, ये आपका क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है, हम 2D में भी आप बात करते हैं, ये स्क्वायर है और यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है दोस्तों, एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो हमने दोस्तों आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा बताइए इस सर्कल का, इस वृत्त का कितना भाग क्या है इस वर्ग के अंदर, कितना भाग इस वर्ग के अंदर है। तो आप कहोगे पहले तो देखो ये वृत्त इस सर्कल कितने भाग में विभाजित हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहां से, यानी कि अगर हम 4 स्क्वायर लाएंगे तो ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल जो वृत्त है हमारा दोस्तों टोटल कितने भाग में विभाजित रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये टोटल 4 भाग में विभाजित हो सकता है। तो हमने आपसे पूछा बताइए ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग दोस्तों कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला भाग 1/4 होगा। बिल्कुल दोस्तों उसी तरह, ये तो हमने 2D में बात की, लेकिन जब हम 3D में आते हैं, यहाँ पर 3D में बात चला क्यूब की बात करी, क्यूब हमारा 3D होता है, ये जो अवयवी कड़ है वो क्या है, गोला है, ये भी 3D है। जब हम 3D में आते हैं तो हमें भी यहाँ पर पता करना है कि इस 3D स्ट्रक्चर में जो हमारा अवयवी कड़ है उसका कितना भाग अंदर है इस क्यूब के अंदर। तो हम ये पता करेंगे दोस्तों कि आखिर में ये कितना भाग में विभाजित हो, ये गोला आखिर कितने भाग में विभाजित हो रहा है। तो हमने यही पता किया कि इस कोने पर हर एक कड़ दोस्तों क्या है, 8 भाग में विभाजित हो रहा है, कोने पर हर एक कड़ दोस्तों 8 भाग में विभाजित होता है फ्रेंड्स ओके। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि बताइए, तब हमने दोस्तों आपसे पूछा बताइए कि इस क्यूब के अंदर कितना भाग तब होगा, जब ये गोला 8 भाग में बट रहा है तो इस क्यूब के अंदर कितना भाग होगा, 1/8 भाग अंदर होगा ओके। तो आपने पता कर दिया हर एक गोला पूरा अंदर नहीं है, केवल उसका 1/8 भाग अंदर है। तो यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गोले हैं, टोटल कितना गोले हैं दोस्तों, 8 गोले हैं, तो पूरा 8 गोले हैं तो उनका कितना भाग अंदर होगा, तो यहाँ पर जब एक गोले का 1/8 भाग अंदर है तो यहाँ पर टोटल 8 गोले हैं, तो 8 गोलों का कितना भाग दोस्तों इस क्यूब का निर्माण करेगा दोस्तों, 8 × 1/8 कर देंगे आप, तो सिंपली यहाँ पर 1 आपका निकल कर आएगा, यानी कि टोटल इस क्यूब को इस एसएससी का निर्माण में कितने कण लग रहे हैं दोस्तों, किनका कितने कण का योगदान है, 1 कण का योगदान है। आप दोस्तों स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ये जो क्यूब का निर्माण हो रहा है जिसके दोस्तों कोने पर आपका क्या है, हर एक अवयवी कण है, ये पूरा अवयवी कण क्या है इस क्यूब के अंदर नहीं है, इसका दोस्तों कुछ ही भाग दोस्तों क्यूब के अंदर है, देख रहे हो ना। अगर हम इस क्यूब को बिल्कुल काट दें, इस क्यूब को दोस्तों क्या करें, इसको यहां से ऐसे ऐसे काट के एक क्यूब बनाए दोस्तों, जो कि हमारा यूनिट सेल बनेगा, तो वो इस प्रकार बनेगा,
यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इस हर एक गोले का दोस्तों कुछ ही भाग क्या है यहाँ पर इस यूनिट सेल इस एसएससी का निर्माण में लगा हुआ है, कुछ ही भाग अंदर है। इस वाले गोले का देख रहे हो ना कुछ भाग यहाँ पर है, इस वाले गोले का कुछ भाग है अंदर, इस वाले गोले का कुछ भाग, इसी तरह आठों गोलों का दोस्तों क्या है कुछ ही भाग क्या है इस एसएससी के अंदर में है। तो हमने वो कुछ भाग निकाल लिया, कितना निकल कर आया था 1/8 भाग अंदर है। तो टोटल हमने दोस्तों निकाल लिया कितने कण निर्माण में लगे हुए एसएससी के, 1 कण लगे हुए दोस्तों निर्माण एसएससी के। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हो एनसीईआरटी में। दोस्तों एसएससी के बारे में पढ़ा, आगे एकक कोष्टिका एसएससी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भाई इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, चारों आठों कोने पर दोस्तों अवयवी कण लगे होते हैं और यहां पर जो भुजा होती है क्यूब की वो इस गोले की त्रिज्या की दोगुनी होती है। और हमने क्या देखा कि इस क्यूब इस एसएससी के निर्माण में कितने कण लग रहे हैं, क्या ये आठों कण एसएससी का निर्माण कर रहे हैं? नहीं, इनका कुछ भाग ही अंदर है, पूरा अंदर नहीं है। तो हमने पता किया कितना भाग अंदर है, 1/8 भाग अंदर है, क्योंकि भाई ये टोटल गोला हमारा 8 भाग में विभाजित हो रहा है। तो इसका ये वाला भाग दोस्तों कितना होगा, जब ये गोला 8 भाग में विभाजित हो रहा है तो इसका एक वाला भाग जो कि अंदर है वो कितना होगा, 1/8 भाग अंदर होगा। तो जब एक गोला कितना अंदर है, 1/8 भाग अंदर है, तो टोटल 8 गोले हैं, तो 8 गोले कितना होंगे दोस्तों, 8 × 1/8 भाग होंगे अंदर, यानी कि एक गोला सिंपली यहाँ पर अंदर होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा एसएससी क्या है, एसएससी के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हमारे समझाने का, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ख देखते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, जिसको दोस्तों हम बीसीसी भी बोलते हैं। यहाँ पर बीसीसी, सीसी का मतलब वही है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। यहाँ पर देख रहे हो ना, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमारा क्या है, कॉमन चला है, केवल चेंज क्या हो रहा है, जैसे बी आ गया तो उसका बॉडी लग गया, एसएससी में जब एस था तो उसका सिंपल हमारा लग गया सिंपल वर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग का ही वर्ड आप याद रख सकते हो। तो बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। ऐसे एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ एक अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, यानी कि दोस्तों इस एक कोष्ठिका में जो हमारा कण है वो क्या है, अवयवी कण है, वो कोने पर तो उपस्थित है, अवयवी कण हमारा कोने पर है, यहाँ पर क्यूब हमारा है, इस क्यूब में यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं क्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं दोस्तों। उस यूनिट सेल के कोने पर तो हमारा अवयवी कण है, देख रहे, कोने पर उपस्थित तो होता है, कोने पर तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अवयवी कण हमारा कहां पर, एक अंतक केंद्र पर भी उपस्थित है। अंतक केंद्र का मतलब क्या है, इस क्यूब का अंतक केंद्र क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा यहाँ पर, यानी कि एक आपका क्या होता है, कण बिल्कुल बीचों बीच में भी होता है। बस यही दोस्तों डिफरेंस होता है बीसीसी और एसएससी में। अब कई बच्चे सोचते हैं इस अंतक केंद्र का मतलब क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये एक क्या है हमारा दोस्तों, क्या फलक है इस क्यूब का, तो इस क्यूब के फलक यानी कि यहाँ पर एक कण है, नहीं, इसके अंदर, इसके बिल्कुल बीच में, ये पूरे क्यूब के दोस्तों केंद्र पे, अंदर केंद्र पे दोस्तों हमारे ये कण होता है फ्रेंड्स। ओके, तो दोस्तों आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो जो हमारा बीसीसी होता है, यानी कि अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका होता है, उसका रियल स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। जैसा हमारा दोस्तों एसएससी का होता है, उसमें तो चार हमारे गोले दोस्तों पूरे कोने पर हमारे गोले लगे होते हैं, जैसे कि यहां पर भी लगे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक गोला आपका यहाँ पर केंद्र पर बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था जो हमारा घन हमारा तैयार होता है उसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक और आपका क्या है, अवयवी कण है बिल्कुल सेंटर में। ओके फ्रेंड्स, फिर हम वही बात करेंगे कितने दोस्तों कण योगदान दे रहे हैं इसका निर्माण में। इस पर आपको ये तो पता है जो हमारा कोने पर कण होता है उसका कितना भाग अंदर होता है, 1/8 भाग अंदर होता है। ओके, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कुल कणों का योगदान, हम आसानी से निकाल लेंगे, हमें पता है कोने पर कितने कण है, 8 कण है। यहाँ पर कोने पर कितने कण है फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 कण कोने पर है। तो सिंपली हम सभी जानते हैं जब एक कण हमारा कितना अंदर होता है, 1/8 भाग अंदर होता है, एक कण 1/8 भाग क्या होता है, घन के अंदर होता है। तो 8 कण कितना अंदर होगा दोस्तों, 8 × 1/8 भाग अंदर होता होगा। ये तो हमने सिंपल कर दिया जो हमने एसएससी में किया था, लेकिन बीसीसी में हमारा खास क्या है, एक कण हमारा क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। तो एक कण हमारा क्या है, इस पूरे घन के अंदर ही है ना, हमारा इस पूरे घन के हमारे सेंटर में है। तो सेंटर में कैसे आएगा, जब ये पूरा अंदर होगा ना, तो यहाँ पर इसका कोई इस, ये तो पूरा का पूरा ही अंदर है हमारा ये वाला अवयवी कण। तो इसको हम सिंपली एक काउंट करेंगे, क्यों हमने इसको एक काउंट किया, क्योंकि ये पूरा भाग अंदर है, इसका कुछ भाग अंदर नहीं, ये तो पूरा ही अंदर है फ्रेंड्स, इसलिए ये पूरा हम इसको एक गिनेंगे। तो टोटल हमारे अवयवी कण कितने आएंगे, यहां से यहां होगा हमारा एक प्लस का ये वाला एक, टोटल हमारे दो कण हमारे योगदान देते हैं दोस्तों बीसी के निर्माण में। ओके, और जिस तरह हमने बात की थी एसएससी में दोस्तों, जो भुजा हमारी ए होती है वो 2R के बराबर होती है, यहां पर भुजा हमारी किसके बराबर होती है, यहां पर जो हमारा ए होता है वो फ्रेंड्स हमारा
चार गुना हमारा होता है गोले की त्रिज्या बटे में रूट थ्री। अब ये कैसे निकल कर आया आइए हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके अब हम बात करते हैं ये कैसे निकल कर आया। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे ये वाला कर्ण और ये वाला कर्ण एवं ये वाला कर्ण देख रहे हो ना, ये आपका क्या निर्माण कर रहा है, एक आपका डायगोनल का निर्माण कर रहा है फ्रेंड्स। और दोस्तों किसी भी घन की अगर भुजा क्या है, ए है हमारी, किसी घन की भुजा ए होती है तो जो डायगोनल बढ़ता है घन का जो हमारा विकर्ण बनता है दोस्तों उसकी लंबाई क्या होती है रूट थ्री ए होती है फ्रेंड्स। ओके और यही दोस्तों आपका किसके बराबर होता है, यहाँ पर चार आर के बराबर होता है। ये चार आर के बराबर होता है कैसे आइए दिखाते हैं। रूट थ्री ए यानी कि डायगोनल जो बढ़ता है दोस्तों, ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब का यहां से इसको मिलाते हुए ये एक कोने से दूसरे कोने तक का जो रेखा बनता है दोस्तों वही डायगोनल होता है, जिसकी लंबाई अंडर रूट थ्री ए होती है। और ये अंडर रूट थ्री ए हमारे फोर आर के बराबर क्यों होता है, देखिए एक आर आप देखो कि यहां से यहां तक जब आप चले, जब फ्रेंड्स इसका डायगोनल आप कवर कर रहे हो तो यहां से यहां तक आप कवर किए तो पहला आर आपने लिया, वहां से जब आप यहां तक दोस्तों चल रहे हो तो आप ध्यान दीजिए जैसे ही आपने पहले क्या किया यहां से यहां तक आए इस कोने से यहां तक है तो ये क्या है इस गोले की त्रिज्या आर हो गई। फिर जब आप यहां से यहां तक कवर आए तो ये पूरा गोला है ना इसकी त्रिज्या यहां पे आर, इसकी त्रिज्या यहां पर आर यानी कि टू आर। उसके बाद जब आप इस कोने पर आए तो इस वाले गोले की त्रिज्या आपने आर कवर की फ्रेंड्स। ओके यही दोस्तों हमारा चार बार आपने त्रिज्या कवर की यानी कि फोर आर दोस्तों बराबर हो गया। और जो कि हमने आपको बताया ये क्या है हमारी डायगोनल है हमारी किसी क्यूब की जो कि हमारी अंडर रूट थ्री ए होती है उसी के बराबर आप इसको कर देंगे तो यहां से आपको दोस्तों ए का रिलेशन मिल जाएगा क्यूब इसकी त्रिज्या के साथ जो कि हमारा फोर आर बटे अंडर रूट में थ्री होता है। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने समझ लिया होगा रियल स्ट्रक्चर में इसका रिलेशन। अब आइए हम चलते हैं तीसरे और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रकार में जो कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक यानी कि इसको फेस बोलते हैं, फलक को इंग्लिश में फेस बोलते हैं। ओके फेस इसलिए दोस्तों इसको एफसीसी भी बोला जाता है जिसका मतलब ही होता है हमारी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ओके फेस सेंटर के सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इसका नाम हो गया फ्रेंड्स इंग्लिश में देखें तो। ओके दोस्तों एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कण हमारे कोने पर तो उपस्थित होते ही है लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक एक अतिरिक्त अवयवी कण क्या होते हैं प्रत्येक फलक के दोस्तों केंद्र पर भी होता है। इसका मतलब समझिए इसमें भी उसी तरह बताया गया है कि जो हमारा एकक कोष्ठिका होगा जो हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसमें जो अवयवी कण है गोला है जो हमारा कण का वह कोने पर तो उपस्थित होगा लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एकक गोला आपका क्या होगा एकक अवयवी कण एकक गोला आपका क्या होगा प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा। फलक आप समझते हो ना फलक कितने होते हैं किसी भी घन में दोस्तों कितने फलक होते हैं छह फलक होते हैं। फलक यानी कि ये जो हमारा वर्ग बनता है दोस्तों इस भुजा ए ए से मिलकर जो हमारा वर्ग बनता है ये हमारा एक फलक हो गया। इसी तरह ये वाला फलक इस तरह ये वाला फलक इसी तरह ये वाला फलक ये सामने वाला जो आपके फ्रंट में है और एक हमारा फलक बैक में टोटल छह फलक होते हैं। यानी कि अब हमारा क्या होगा कोने पर तो अवयवी कण यहाँ पर हमारे लगे होंगे जिस तरह होते हैं हमारे हमने देखा बीसीसी में एससीसी में वो तो होंगे ये लेकिन साथ ही साथ हमारा ये जो फलक है ये वाला फलक इसके बीचों बीच में दोस्तों एक आपका होगा अब गोला अवयवी कण बीचों बीच में होगा और एक आपका गोला इस वाले फलक पर होगा यानी हर फलक के दोस्तों बिल्कुल मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में क्या कह सकते हो केंद्र पर भी एक आपका होगा। इस तरह हर जगह आप बनाए यानी ये फलक है इसके केंद्र पर होगा एक ये फलक है इसके केंद्र पर एक होगा एक हमारा दोस्तों आपके सामने एक फ्रंट में है आपके ये जो आपका एक क्यूब है अगल बगल तो आपके फलक है लेकिन साथ में एक आपका के सामने भी तो है तो सामने वाले इस केंद्र पर एक आपका फलक होगा यहां पर हमने बनाया और एक आपका क्या होगा सामने जिस तरह है उसी तरह आपका पीछे भी है जो आपको दिख नहीं रहा है यहां पर पीछे है तो एक पीछे हम बना रहे हैं यहां पर इसको अलग कलर से बना देते हैं। यहां पर दोस्तों एक आपका एक होगा आपका अवयवी कण बिल्कुल बीच में। ओके तो ये हमने आपको बनाकर दिखा दिए जो आपका स्ट्रक्चर है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका का। इसका स्ट्रक्चर अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन हमने आपको जिस तरह बताया उसी तरह देखो चार कोने पर तो होंगे ही लेकिन जो हमारा छह फलक है दोस्तों क्योंकि उस हर एक फलक के केंद्र पर दोस्तों एकक हमारा एक क्या होगा गोला होगा बस यही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बस इसमें भी हम वही बात कर लेंगे दोस्तों फलक एकक कोष्ठिका में एफसीसी में कि कुल कणों का योगदान कितना है। पहले तो यहां पर चार आठ कण हमारे क्या कोने पर है तो हम सभी जानते हैं कोने पर जो कण होते हैं उनका एक बटे आठवां भाग अंदर होता है तो आठ कण है तो एक आठ इंटू एक बटे आठ भाग अंदर होंगे प्लस में यहां पर आप देख रहे हो हर एक फलक के हर एक फलक पर भी दोस्तों क्या है केंद्र पर उसके क्या है कण आपका लगा हुआ है तो यहां पर फलक के केंद्र पर उपस्थित कण क्या होते हैं दो भाग में विभाजित होते हैं ये आपको ध्यान रखना है।
इसका मतलब ये दोस्तों, कोई भी क्यूब है उसके क्यूब के पे हमने क्या लगाया, इसके फलक के मान लीजिए सेंटर पे हमने क्या रखा है दोस्तों, एक हमने लगा दिया, वैसे ये बहुत बड़ा है लेकिन वो छोटा होता है थोड़ा, ये हमने रख दिया क्या, लगा दिया एक हमने कड़ लगा दिया, तो इसका आधा भाग अंदर होगा, आधा भाग क्या होगा बाहर होगा, तो अंदर कितना होगा आधा भाग होगा यानी 1/2, तो अंदर जो है उसी का तो हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब 1/2 भाग क्या है एक कड़ का दोस्तों, 1/2 भाग क्या है अंदर है, एक कड़ का 1/2 भाग क्या है अंदर है, यानी कि 1/2 भाग हमारा क्या कर रहा है एक कड़ का निर्माण में लगा हुआ है एफएफसी की, यानी कि टोटल कितने कड़ हमारे फलक के केंद्र पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कड़ हमारे केंद्र पर है, तो 6 कड़ का कितना भाग दोस्तों अंदर होगा, 1/2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि यहां से क्या निकल कर आता है एक, यहां पर क्या निकल कर आता है दोस्तों 3, टोटल कितने कड़ का योगदान है 4 कड़ों का। ओके फ्रेंड, अब यहां पर भी हम देख लेते हैं भुजा ए, इस भुजा ए और दोस्तों जो रिलेशन होता है इनके त्रिज्या के बीच में, तो यहां पर आप देखोगे आप इसको इसको मिलाओ यहां से यहां तक यहां से, अब दोस्तों क्या बन गया, ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये वर्ग है ना, एक वर्ग है भुजा ए वाली, इस वर्ग का क्या बना हुआ है विकर्ण बना हुआ है, तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होती है अंडर रूट 2a होती है, और यहाँ पर अंडर रूट 2a भी है दोस्तों हमारा किसके बराबर होता है 4r के बराबर होता है, ये भी हम आपको बताते हैं कैसे, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 4a बाय अंडर रूट में 2 निकल कर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये भी 4r किसकी कैसे बराबर होता है ये देखिए, तो दोस्तों इस प्रकार होता है, ये आपका क्या फलक है, रियल स्ट्रक्चर में देखोगे आपका दोस्तों, ये तो हमने सिंपलफाई करके बनाया हुआ है छोटा छोटा कोने पर, लेकिन रियल में तो क्या होते हैं सभी कड़े एक दूसरे के चिपके होते हैं, तभी ना ठोस का निर्माण होगा, नहीं तो कैसे होगा, तो जब हम क्या कर रहे हैं इस फलक पर क्या बना रहे हैं, इस वर्ग का जो भुजा ए है एक हम क्या खींच रहे हैं रेखा खींच रहे हैं, ये जो कि हमारा क्या है अंडर रूट 2a वर्ग का विकर्ण बन रहा है, ये किसके बराबर होगा, जब आप यहां से यहां आए आपने क्या त्रिज्या तय की, इसकी त्रिज्या की, ये जो पूरा कोना बना हुआ था हमारा जिसका 1/8 भाग अंदर था उसका त्रिज्या आपने आर कवर किया डिस्टेंस, फिर जब आप यहां से यहां तक आए इस पूरे गोले का त्रिज्या दोस्तों यहां से यहां तक आर, फिर यहां से यहां तक दोबारा आर आपने कवर किया, फिर जब यहां से आप यहां तक गए तो फिर आपने इस पूरे जो गोला है कोने पर उसका 1/8 भाग अंदर है उसकी त्रिज्या आर कवर की, यानी टोटल आपने 4 बार आर कवर किया इसलिए 4r के बराबर हो गया, तो a बराबर आपका क्या निकल कर आया 4r/√10 निकल कर आया दोस्तों, ये आपको याद रखना है, समझ लिया आपने कैसे, आई होप आपको फील भी होगा ये टॉपिक, तो आई होप आपने समझ लिया कैसे एफसीसी को, बीसीसी को और एसएससी को, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अपने 3 महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के आपने अभी समझ लिए, बस एक आपको और बता हुआ है आंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका दोस्तों, जो तो आंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है भाई, इसमें भी वही चीज होता है कि इसमें एकक कोष्ठिका निर्माण में अवविकर्ण कोने पर तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एकक अवविकर्ण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाया जाता है, किन्हीं दो विपरीत फलक, फलक तो हमने बता दी ये सब हमारे फलक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, पीछे आगे पीछे, तो लेकिन इसमें कहा गया है इसमें फलक क्या होंगे विपरीत किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर क्या होगा अवविकर्ण होगा, 4 कोने पर लगा दिए अब कोई विपरीत किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर आपका एक अवविकर्ण होगा, यानी कि अगर आपने क्या कर दिया इस फलक पर आपने एक अवविकर्ण लगा दिया तो एक आपका अवविकर्ण दूसरा अवविकर्ण कहां पर जाएगा इसके विपरीत वाले फलक पर यहां पर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बस दो क्या होते हैं दो विपरीत फलकों पर ही केंद्र पर इसमें अवविकर्ण होता है ये हमने लगा दिया। ओके, अगर आपने क्या किया होता इस फलक के केंद्र पर लगाया होता तो इसके विपरीत वाले फलक ये होगा यहां पर अवविकर्ण होता, बस दो विपरीत फलकों के केंद्र पर अवविकर्ण इसमें होता है, बस ये हो गया दोस्तों हमारा आंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसमें भी कड़ों का योगदान निकालोगे तो आपका फ्रेंड्स निकल कर आएगा यहाँ पर 8 क्या है 8 कड़ों का 1/8 भाग अंदर है, और यहाँ पर हम जानते हैं फलकों पर दोस्तों फलक पे दो फलकों पर यहाँ पर कड़े और दोनों का 1/2 भाग अंदर होता है, तो टोटल यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक ये एक यानी कि टोटल 2 कड़ों का योगदान होता है दोस्तों इस आंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका के निर्माण में, और यहाँ पर दोस्तों जो रिलेशन निकल कर आ जाएगा ए एवं आर के बीच में वो भी यहाँ पर भी वही निकल कर आता है, यानी कि यहाँ पर भी जो ए होता है 4r अपॉन में अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे सेम उसी तरह लाइन बनेगी डायगोनल अंडर रूट की हमने लंबाई निकल ली थी, क्या निकल कर आया था 4r निकल कर आ जाएगा, इससे बराबर गया था तो हमें ये रिलेशन मिला था जो कि इसके लिए भी सेम होगा। तो आई होप आपने चारों को अच्छी तरीके से समझ लिया है, अब दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिया है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा है आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इन सभी का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो कर देते हैं यहीं पर समाप्त, वीडियो अच्छी लगी हो मेहनत के लिए बस सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपसे, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, ताकि ऐसे ही 11th 12th
फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस, महत्वपूर्ण चैप्टर्स के, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हमेशा मिलती रहे, जिससे आप अपने परीक्षा में बढ़िया स्कोर कर पाओ। तो आप मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे और फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें। जय हिंद, जय भारत।